कोरोना काल में जिनकी नौकरी गई उन्हें फिर मिलेगी नौकरी। दरअसल भारत सरकार ने कंपनियों को एक ऑफर दिया है कि वो कंपनियां जिन्होंने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को काम से निकाल दिया था, यदि उन्होंने अपने कर्मचारियों को फिर से काम पर रखा तो सरकार उनका पीएफ भरेगी। जी हां, सरकार ने निजी कंपनियों को ऑफर दिया है कि अगर कोई भी कंपनी कोरोना काल में निकाले गए कर्मचारियों को जून 2021 से पहले वापस काम पर रख लेती है तो अगले 2 साल तक का उनका पीएफ सरकार भरेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र के मुताबिक कोरोना काल में भारत में बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए थे। CMIE की माने तो पिछले साल अप्रैल से अगस्त के दौरान 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। गौरतलब है कि जब कोरोना महामारी अपने पूरे चरम पर थी उस समय सरकार ने कंपनियों और कर्मचारियों को पीएफ में कई बड़ी राहतें दी थी। एक ऐसी योजना जिससे आप ले सकते हैं मुफ्त सिलेंडर, साथ में मिलेगा 1600 रुपए। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां समीक्षा के बाद गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती है। इस बार 1 फरवरी को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, पर 2 दिन बाद 3 फरवरी को सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इससे दिल्ली और मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 719, कोलकाता में 745.50 रुपए और चेन्नई में 735 रुपए हो गया। इससे पहले दिसंबर में सिलेंडरों की कीमतों में 2 बार 50-50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। अगर आप महंगे सिलेंडर पर पैसे खर्च करने से बचना चाहते हैं तो स्कीम के तहत आपको फ्री सिलेंडर भी मिलेगा और 1600 रुपए भी मिलेंगे। इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी हम आपको बताते हैं। दरअसल 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला स्कीम के तहत और 1 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया। आपको बता दें, इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवारों को ही उज्ज्वला योजना का फायदा मिल सकता है। जो परिवार साल 2011 की जनगणना में बीपीएल श्रेणी में आते हैं वही उज्ज्वला योजना का फायदा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया जाता है। सरकार का टारगेट उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में और एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1600 रुपए मिलते हैं। वहीं गैस चूल्हा खरीदने और पहली बार सिलेंडर के लिए ईएमआई की सुविधा भी दी जाती है। पर ध्यान रहे कि इस योजना के लिए आवेदन परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम से ही किया जा सकता है। कैसे करें आवेदन? यदि आप उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो KYC फॉर्म भरकर एलपीजी सेंटर में जमा कराएं। आवेदन के दौरान आपको ये बताना होगा कि आपको 5 किलो वाला सिलेंडर चाहिए या 14 किलो वाला। आप उज्ज्वला योजना के फॉर्म को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये फॉर्म एलपीजी सेंटर से हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत: बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आदि। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।